साहब सोशल मीडिया वालों ने तो हमारी बैंड बजा रखी है, अब तो खर्चा पानी भी बंद हो गया है। हाँ पता ही नहीं चलता कब कौन कहाँ से हमारी वीडियो बना ले। हाँ पता चलता है ना साहब जब हमारी वीडियो लोग हमें भेजते हैं। साहब सुबह से दाल खाइए कोई मुर्गा नहीं मिला। वे, देख आ गया मुर्गा। रुक 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 जी क्या चाहिए? एक पिज्जा और दो कोल्ड ड्रिंक दे दे। यार मेरी गाड़ी क्यों रोकी? ड्राइविंग लाइसेंस चेक कराओ। ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने का इख्तियार आपके पास है साहब? हाँ तो क्या बोला तूने? मैंने पहले भी कहा कि तुम लोगों के पास इख्तियार नहीं कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर सको। हशाम जी साहब जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो साहब फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अबे तेरी गाड़ी के शीशे भी काले हैं, पता है इसकी कितनी सजा है? मेरी तो गाड़ी के शीशे काले हैं, तुम लोगों की तो नियत भी काली है। दफा 144 है इस पे। अबे दफा दफा दूर, जानते हो मैं कौन हूँ? कौन है बे तू? लॉयर, I am a liar. अबे तू तो शक्ल से ही झूठा लगता है। अबे वो वाला लायर नहीं, लॉयर। अरे अरे सर वो काले कोट वाले। जी हाँ काले कोट वाला। साहब साहब आप जाएं साहब। जाएं जाएं साहब। अरे जाएं साहब जाएं जाएं। अबे मरवा दिया था तूने, तुझे ये नहीं पता? मैंने क्या किया लॉयर? अबे तुझे फर्क नहीं पता, लायर झूठे को बोलते हैं और लॉयर वकील को बोलते हैं, काले कोट वाले को। साहब शक्ल से वो वकील कम और झूठा ज्यादा लग रहा था। अबे वो तो मैं कल फिल्म देख रहा था अपनी बीवी के साथ, उसमें लॉयर वकील को बोलते हैं, नहीं तो मैं भी तेरी तरह झूठा ही समझा था। साहब वो देखो दूसरा शिकार, देख के कहीं ये उससे बड़ी फिल्म ना हो। साइड पे आओ, साइड पे आओ, कहीं नीचे उधर। जी सर। चेकिंग करा आपने? जी सर जरूर चेक करें, आप हमारी हिफाजत के लिए तो खड़े। साहब मंशियात की खेप पकड़ी गई, मुखबर की खबर पक्की थी। सर ये मेरी नहीं है। जेब तेरी है और पुड़िया किसी और की। सर ये आपके बंदे ने मेरी जेब में डाली है मुझे फंसाने के लिए, मेरी नहीं है। अबे दो पड़ेंगे ना कनपट्टी पे, फरफर बोलने लगेगा। उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, मंशियात की खेप पकड़ी गई है और इल्जाम हम पुलिस वालों पे लगा दिया। वाह रे वाह, होशियार समझता है अपने आप को क्या? सर मैंने आज तक किसी किस्म का कोई नशा नहीं किया, ये मंशियात तो बहुत दूर की बात है, ये मेरी नहीं है। बेटा तू फंस तो चुका है, ये बता मामला न्यायी खत्म करें या फिर थाने चलकर? क्या मतलब सर, मैं समझा नहीं। लो भाई अब तुझे मतलब भी समझाना पड़ेगा। हशाम जी साहब वो जो पिछले हफ्ते मनीषात की खेप पकड़ी थी कितने किलो की थी? साहब 60 किलो की थी और असला भी था। उन बंदों को हमने कितने में छोड़ा? साहब पूरे 10 लाख रुपए लेके छोड़ा था। उनकी जगह अब किसी को तो डालना है ना, अब समझा या और बारीकी में जाके समझाऊं? मैं एक बहुत शरीफ लड़का हूँ, मैंने आज तक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, आप मुझ पर इतनी सारी मनीषात का केस डाल रहे हैं। अब ये तेरे हाथ में कि अपनी इज्जत कायम रख या फिर थाने चलकर अपने आप को भी जलील करवा और अपने घर वालों को भी। क्या इज्जत रह जाएगी जब सुबह ही सुबह तेरी खबर छपेगी मनीषियात की खेप के साथ। सर आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, एक बेगुनाह इंसान को इस तरह से फंसा रहे हैं। अरे बेगुनाह ही तो फंसते हैं, कसूरवार तो हमारे हत्ते ही नहीं आते। ये बता मामला यहीं खत्म करें या फिर थाने चलकर? सर थाने चले। क्या अबे तेरा दिमाग तो ठीक है, तुझे मजाक लग रहा है? हशाम जी साहब जरा नए SHO साहब को फोन तो मिला, बताओ उनको मनीषात की खेप
और असला पकड़ा है। नए नए सचो साहब आए, हमारे नंबर भी बढ़ जाएंगे और हमारी वर्दी पे फूल भी लग जाएंगे। साहब माफ कर दो साहब, गलती हो गई सर। खड़े हो माफ कर दे हमारे छोटे छोटे बच्चे साहब। गलती तुम्हारी नहीं, गलती हम अफसरान की है, जो खुद तो ठंडे कमरे में बैठे रहते हैं और तुम लोगों को खड़ा कर देते हैं नाके पे आवाम की हिफाजत के लिए, और बेचारी आवाम तुम्हें देख के अपना रास्ता ही बदल लेती है। और अगर कोई आवाम तुम्हारे हाथे लग जाए तो उसके साथ वही करते हो जो तुमने मेरे साथ किया। आज मेरी जगह कोई आम बंदा होता तो उस पर इतनी सारी मंशियात का केस डाल देते। तो कभी सोचे जिसे तुम रोक रहे हो वो अपने बाल बच्चों का पेट कैसे पाल रहा है? कभी सोचे उसे कितनी तकलीफ के बाद तनख्वाह मिलती है, और तुम जैसे लोग उन्हें डरा कर मुंह खोल कर उनसे सारे पैसे छीन लेते हो। तुम लोग जानते हो तुम में और डाकू में फर्क कितना है, कि वो ये वर्दी नहीं पहनते, और तुम जैसी काली भेड़ों की वजह से ये इदारा बदनाम है, और इस इदारे में काम करने वाला ईमानदार सिपाही और अफसरान बदनाम है। जब तक इस तरह आला अफसरान सादा लिबास में तुम लोगों की निगरानी नहीं करेंगे ना, तब तक ये इदारा ठीक नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी कानून बना लिया जाए।